स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू क्लास सेवेंथ फ्रॉम लर्न वेल, चैप्टर फाइव, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सरसाइज 5.2, टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड हम यहाँ पे फ्रॉम सिक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फुल डिटेल पार्ट फर्स्ट में कर दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करते हैं। What should be added to this polynomial to get माने प्राप्त होना, मतलब हमें इस polynomial में क्या add करना चाहिए कि हमें ये प्राप्त हो जाए। हमें मालूम है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन सर सॉल्व कैसे करें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो हमारे पास तो ट्रिक के बोलते हैं ना, एक गोदाम है। आप जितना भी ट्रिक लेंगे हम ट्रिक आपको देते जाएंगे। चलिए उस गोदाम में अंदर जाते हैं और फाइंड करके लाते हैं और ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, हमें क्या ऐड करना चाहिए टू दिस पॉलिनोमियल के प्लेस पे। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 10, ओनली 10 और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल के प्लेस पे हमने 10 ले लिया, मतलब ये बोला गया कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए टू गेट। टू गेट लिखा है ना, गेट का मतलब होता है प्राप्त होना। तो प्राप्त होना को मैथ में इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 कर दिया, ठीक। क्वेश्चन रेडी हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी एडेड टू 10। हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गेट 15। बताइए आंसर, 10 में क्या ऐड करें, यहाँ पे क्या ऐड करें कि 15 आ जाए। आप तुरंत आंसर दे देंगे, सर 5 आएगा और क्या आएगा, 5 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैथमेटिक्स जो होता है वो प्रूफ मांगता है। ऐसे थोड़ी है, अगर आप इसका आंसर दे पाते हैं तो इसका भी दीजिए ना, डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। तो उसका मैं इसीलिए मैथ सॉल्व मांगता है। तो चलिए देखते हैं 5 कैसे आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कोई एक वेरिएबल। हमने लेट कर लिया पी, क्या ले लिए, पी ले लिए। अब पी की वैल्यू फाइंड करिए यहाँ पे। तो चलिए फाइंड करते हैं। पी को स्टॉप कर दीजिए, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 10 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। हमने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हर एक नंबर के आगे अगर साइन ना दिए वहाँ प्लस होता है। यहाँ 15 के आगे भी प्लस है, ठीक है। अब जब प्लस ट्रांसफ़र होता है इक्वल के उधर, तो प्लस साइन क्या बन जाता है, माइनस साइन, ठीक है। अब पी इक्वल टू 15 माइनस 10 कितना होता है, 5। ये हो गया आपका प्रूफ, हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो सेम यही रूल्स आप यहाँ पे कर लीजिए ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिक्स नंबर में, क्या लिखेंगे, लेट एडेड बी क्या, इसमें पी लिए, इसमें भी पी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वेरिएबल मत लीजिएगा जो इस क्वेश्चन में है। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पूरा नकल करना है। 10 के प्लेस पे हमारा क्या है, ये है पूरा, है नहीं है, लिख लीजिए 7x² प्लस 18xy प्लस z² माइनस 7, यही है टू गेट। अब प्लस करना है भाई, प्लस करना है, देखिए प्लस पी है, तो यहाँ भी आप लिखिए प्लस पी, लिख लिए, इक्वल टू, टू गेट लिखा है, गेट के प्लेस में इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x² प्लस 10xy माइनस 2z² प्लस 1, यही है ना 15 के प्लेस पे। चलिए अब इसके बाद हमने क्या किया था, 10 को ट्रांसफ़र किए थे, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लस का माइनस, या फिर माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन से नहीं देखना है, यहीं से सॉल्व करना है। हमें पी की वैल्यू चाहिए, जैसे देखिए यहाँ भी पी है, तो हम ये पी को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सब को उधर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हमने क्या लिखा था, 15 लिखे थे ना, जो इधर है पहले आप उसे ही लिखिए पूरा, माइनस 2z² प्लस 1, हाँ। अब लेके आइए 1/1 टर्म, चलिए 1/1 टर्म लेके आते हैं। 7x² क्या है, क्या प्लस, इधर आएगा तो माइनस,
प्लस 18xy इधर आएगा तो माइनस 18xy, प्लस जेड स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर, माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए हमने 15 माइनस 10 किया 5 आया, इसको भी सॉल्व करते हैं वेरिएबल को। और वेरिएबल को हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में एक्सप्लेन किया कि जब तक वेरिएबल सेम ना दिखे तब तक आप प्लस माइनस मत करिएगा। सेम कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर है और सर्च करिए कहाँ एक्स स्क्वायर, ये है, इन दोनों को पास में ले आइए विथ साइन, यहाँ पे माइनस था माइनस भी आ गया। फिर आते हैं 10xy और है xy, देखिए ये है माइनस 18xy, उसके बाद आप देखिए माइनस 2z स्क्वायर और है क्या, ये है माइनस z स्क्वायर। अब प्लस 1 प्लस 7 तो इसे ऐड कर देते हैं क्योंकि नंबर नंबर से प्लस होगा। अब जो आया वही आपका आंसर है। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये इसकी पहचान है, आधार कार्ड है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता हमारी पहचान, वैसे इसका आधार कार्ड ये है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, उसे चेंज मत करिएगा। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा, वहाँ हमेशा 1 होता, अगर जहाँ नंबर ना दिखे वहाँ 1 होता। अब माइनस 7 और यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, तो प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर के पास क्या है, 7, 7 के आगे माइनस। अब आप माइनस आराम से कर लीजिए, 7 माइनस 1 6। एक्स वाई ये इसकी पहचान है, पहले से लिख दीजिए, 2 ही है ना, तो एक्स वाई पहले लिख दीजिए। अब नंबर सिर्फ देखिए, यहाँ प्लस 10 है यहाँ माइनस 18 है, दोनों में ग्रेटर कौन है, 18, 18 अपना साइन लेके आएगा, 18 माइनस 10 आपका 8, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं जेड, यहाँ पे भी देखिए कोई नंबर नहीं, 1, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, जेड स्क्वायर, माइनस 2 और यहाँ माइनस 1। और हमने लास्ट वीडियो से फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, माइनस 2 और 1 3 प्लस जेड 8, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और अगर आपसे कोई बोले ये क्यों आंसर है, इसके आगे क्यों नहीं होगा, तो उन्हें बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर सिंगल है, ये किसी से ऐड नहीं होगा, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए एक्स स्क्वायर ही चाहिए। यहाँ एक्स वाई है, ये भी सिंगल है पूरे लिस्ट में, तो इसे भी प्लस माइनस होने के लिए एक्स वाई चाहिए। ये जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर ही चाहिए इसको, अदरवाइज ये वही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं, सेम ही तो है, बस वो एडेड के प्लेस पे सब्ट्रैक्टेड है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फिर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। और हमने पार्ट सेकंड में बताया, ये देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है सब्ट्रैक्टेड, देखिए फ्रॉम है, हमने उसमें कुछ स्पीच दिया कि हम बच्चों को समझाते थक जाते हैं, लेकिन बच्चे अपने मन का ही करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है ये वर्ड का मतलब होता है इसी से ही दूसरे वाले को माइनस करना है। अगर आपके लिख दिया जाए सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 3, इसका मतलब है 3 से आपको 2 को माइनस करना है, ना कि 2 से 3, नहीं, आप क्या करेंगे, 3 पहले लिखेंगे बाद में आप 2 लिखेंगे, क्लियर। तो चलिए 7 नंबर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हमें फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए ये फ्रॉम के इधर मान लीजिए 10 है, पहले तो इसे ही लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद वाले के ही पहले लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो मान लीजिए हम आपसे पूछ दिए 10 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका 7 आ जाए, तो आप तुरंत आंसर बता देंगे, सर क्या आएगा बताइए 3 आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेना क्यों, तो हमने लेट कर लिया, इस बार चलिए क्यू ले लेते हैं, एक्स एक्स इस जगह में, इसलिए एक्स लेना अच्छा नहीं है। अब देखिए हम अभी तक 10 ट्रांसफ़र करते थे, क्यों, क्योंकि नंबर एक साइड कर लें तभी हमारी वैल्यू आएगी, लेकिन इसके पास देखिए माइनस साइन है। और अगर आपको खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना है मैथ में, आप चाहते हैं बहुत आसानी से आंसर आ जाए, तो ये क्यू को ही इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इसके पास आगे क्या साइन है, माइनस, और माइनस ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। भाई इधर से आंसर मिले चाहे इधर से आंसर मिले, बात तो एक ही है ना। अब इधर क्या लिखा है, 10, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए ना इधर, आ जाइए भाई आप इधर, ये देखिए 3 आ गया। और यही रूल्स आप सभी में करिएगा। चलिए 7 नंबर करते हैं इसी की नकल करके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट सब्ट्रैक्टेड बी,
इक्वल टू क्यू। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में फ्रॉम यहाँ पे है, सबसे पहले आप इसे लिखें 7x² - 2y² - 6xy + 4, इसी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमने लिया है सब्ट्रैक्ट क्यू, तो हमें 2 गेट क्या प्राप्त होता है 2y² + 2x² - 1 + 2xy, यहाँ पे स्टॉप है। हमने अभी आपको बताया कि क्यू को ही इधर कर देते हैं जिससे ये प्लस हो जाए और सभी को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये तो पहले से इधर है, ठीक है, तो फर्स्ट तो इसे ही लिखेंगे 7x² - 2y² - 6xy + 4। एक एक करके लिखे आए, यहाँ पे प्लस है इधर आएगा, तो -2y² + 2x² इधर -2x² - 1 तो इधर आएगा प्लस -2xy। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 7x² देखिए दूसरा कहाँ, ये है, तो पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसकी पहचान है दोनों की, x² आप लिख लीजिए और आराम से उसका साइन देखिए, नंबर को तो प्लस माइनस करना है, वेरिएबल थोड़ी सॉल्व होते हैं, वेरिएबल कभी कुछ नहीं होते, देखिए उसकी पहचान हमने पहले लिख दी, सिर्फ नंबर को आपको देखना है, यहाँ पे क्या है प्लस 7 और यहाँ पे क्या है -2, अरे भाई सब छोटे बच्चे भी जानते हैं +7 - 2 क्या होता है 5 होता है। अगर y² को देखिए तो ये y² दोनों के पास क्या साइन है, अगर एक के पास प्लस होता तो एक कट जाते, कैंसिल हो जाते, लेकिन दोनों के पास माइनस माइनस है, इसकी पहचान क्या है y² है ये दोठो, ये देखिए तो -2 - 2 तो -2 - 2 कितना होगा -4, ये देखिए हमने नंबर प्लस माइनस करना। इसके बाद आ जाइए xy में, ये xy आपको दिख रहा है, ये xy आपको दिख रहा है, दोनों अब ये इसकी पहचान है, पहचान तो बिल्कुल पहले से लिख दीजिए, -6 - 2 कितना होता है माइनस माइनस, नंबर प्लस होते हैं साइन वही रहेगा, अब बचा क्या +4 + 1 कितना 5 = q, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम लिखा है तो सब्ट्रैक्ट तो जरूर होगा, नो डाउट, ये वर्ड अगर मैथ में कहीं पे भी लिखा है समझ जाइए सब्ट्रैक्ट जरूर होगा, ठीक है, तो फ्रॉम कहीं ना कहीं जरूर होगा, आप चेक कर लीजिए, ये आपका सब्ट्रैक्ट है। लेकिन हम पहले क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, फ्रॉम ठीक है, दसम पहले ये बोला गया कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दसम इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फ्रॉम लिखा है ठीक है, फ्रॉम के बाद वाले को ही पहले लिखेंगे, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और पहले लिखे जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट किससे सब्ट्रैक्ट करना है, दसम फिर से इन दोनों को ऐड करना है, तो जो ऐड होके आएंगे वो एक बन जाएंगे, पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ दसम है तो पहले आप इसे ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट को अभी किनारे करिए, इन दोनों को ऐड करते हैं 11x³ - 3y² + 8, और आपको क्वेश्चन रेडी करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिखेगा 12y² - 1। चलिए x³ यहाँ भी x³ दोनों पास क्या साइन है प्लस प्लस, तो ये तो इसकी पहचान हुई x³, 11 × 2 = 13, y² देखिए ये y² दोनों पास क्या है प्लस माइनस, दोनों में ग्रेटर कौन है, पहले इसकी पहचान लिखिए, पहचान पहले लिखिए जिससे आप मिस्टेक कभी ना करें, यहाँ प्लस प्लस 12 आपका ग्रेटर है तो साइन तो प्लस ही आएगा, 12 - 3 = 9, अब बचा आपका नंबर, तो 8 - 1 + 7, ये हुआ आपका पहले सब्ट्रैक्ट से आए ये। अब आते हैं सेकंड सम, फिर से सम लिखा है 9x³ + y² - 1 and के प्लेस पे प्लस करना है 3x³ + 3y² + 18। चलिए x³ ये है दोनों पास प्लस है, ठीक है 9 × 3 = 12, और ये इसकी पहचान हुई y² यहाँ भी y² पहले उसकी पहचान लिख लीजिए, यहाँ पे क्या नंबर है 1, जहाँ पे ना दिखे वहाँ 1 होता है, तो 3 = 1 + 4, अब यहाँ 18 + 18 - 1 = 17, अब आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है,
कैसे, ये दोनों ऐड हो गए ना, हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रॉम, अगर क्वेश्चन से मैच करना है, फ्रॉम द सम, हमने सम कर दिया, उसके आगे क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट लिख दिए बस। अब आप करके देखिए, फ्रॉम लिखा है मतलब ये पहले होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको पहले लिख लीजिए। और हमने पार्ट सेकंड में एक्सप्लेन किया है कि सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं, माइनस का साइन करते हैं, तो अगर एक टर्म से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे कितने टर्म है, 1, 2, 3 टर्म है, अगर वन टर्म है तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 से 2 हुए तो ब्रैकेट कंपलसरी है। ये इसी चैप्टर का नहीं, कहीं भी कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर 1 टर्म से 2 टर्म हुए तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट बनाना ही पड़ेगा, उसकी वजह है माइनस के अंदर एंट्री होगी, क्योंकि माइनस वहाँ पे इनटू होने के लिए अंदर जाएगा, यहाँ पे इनटू का साइन है और यहाँ पे क्या प्लस, माइनस प्लस, अंदर के पूरे साइन आपके बदल जाएंगे, यानी -12x³ -4y² -70। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब देखिए कहाँ पे, ये है इसकी पहचान x³। अब 13 के पास प्लस, 12 के पास माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, ग्रेटर नंबर आपका 13, यानी आंसर आएगा 1। वाई स्क्वायर देखिए, ये है वाई स्क्वायर, पहले पहचान लिख दीजिए उसकी आइडेंटिटी, ये हो गया प्लस 9 माइनस 4, कितना हो जाएगा प्लस 5, क्लियर, 9 माइनस 4 5। अब बच गया है आपके नंबर, तो प्लस 7 माइनस 17 माइनस 10, क्योंकि ये आपका ग्रेटर ये है तो अपना साइन तो लेके आएगा, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी टेकन अवे, हमें अवे मतलब कितना, हमें दूर, हमें इससे कितना दूर होना चाहिए, या दूर यानी मतलब दूर करना है, या डिफरेंस रखना है, डिस्टेंस रखना है, टू ऑप्टेन, जैसे अभी टू गेट नहीं होता था, यहाँ पे देखिए टू गेट, वैसे ही गेट माने प्रॉप्टेन, टू ऑप्टेन मीन्स भी प्राप्त होगा, तो ये इसका मतलब ही इक्वल टू है। द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, हमें ये बताना है कि इससे, ये दोनों से ये कितना दूर होना चाहिए, दूर होना मतलब सब्ट्रैक्ट, दूरी किसे बोलते हैं, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हम आपसे 2 किलोमीटर दूर हैं, तो आप ना बता, आप बोलेंगे ना, सो हाउ फार डिस्टेंस बिटवीन बोथ या यू एंड मी, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर, सिंपल। वैसे यहाँ पूछा गया, लेकिन ऊपर का सॉल्व करने से पहले इन दोनों के बीच डिफरेंस तो निकाल लें, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ फ्रॉम कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ की बात आगे हो जाएगी, लेकिन यहाँ डिफरेंस में कहीं भी फ्रॉम नहीं है, तो हम लाइन से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं डिफरेंस, तो फर्स्ट क्या है, 3x² प्लस 8y² प्लस 16xy प्लस 7। अब एंड के प्लेस पे माइनस कर लीजिए, और हमने आपसे अब भी बताया कि ब्रैकेट कंपलसरी है, 10xy प्लस 4x² माइनस 13 प्लस 9y². चलिए पहले से सॉल्व कर लें, 3x² प्लस 8y² प्लस 16xy प्लस 7, अंदर के पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है प्लस, माइनस 10xy माइनस 4x² प्लस 13 और माइनस 9y². देखिए सभी साइन चेंज हो गए, क्यों हुई है, क्योंकि माइनस का अंदर इनटू होगा, तो अगर सेम साइन का इनटू होगा तो प्लस, डिफरेंट साइन का होगा तो माइनस, चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों डिफरेंस माइनस, दोनों डिफरेंस माइनस, माइनस माइनस सेम है प्लस, और माइनस प्लस माइनस। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए x² सर्च करिए कहाँ पे, ये है, तो पास में आप चाहे लिख लें एक साथ, अगर आपको फुल डिटेल देखना तो पार्ट फर्स्ट सेकंड में देख भी सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे x², इन दोनों की आइडेंटिटी क्या है, x², पहले तो आइडेंटिटी लिखिए, यहाँ पे प्लस 3 है और यहाँ पे माइनस 4, तो भाई प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दोनों ग्रेटर कौन है, माइनस 4,
तो माइनस साइन तो आएगा, 4 - 3 = 1। आगे देखते हैं वाई स्क्वायर, ये लास्ट में वाई स्क्वायर आइडेंटिटी पहले लिखिए, ठीक है, जिससे आपकी नज़र वाई फोर करने के लिए ना हो। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, वाई स्क्वायर वाई फोर, लो उसकी पहचान ही हट जाए। तो यहाँ प्लस 8 है या माइनस 9, तो दोनों में ग्रेटर है माइनस, यहाँ भी 1 आया। 16xy - 10xy, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आया आपका, क्योंकि प्लस ग्रेटेस्ट है तो 6xy। अब यहाँ 7 और यहाँ 13, दोनों प्लस हैं, 13 - 7 = 20। अब यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इसको पूरे सॉल्व करने में ये आया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम, इससे हम कितना दूर करें कि हमें टू ऑफ टेन लिखा है। अब ये तो हम कर चुके हैं, डिफरेंस कर लिए ना, तो टू ऑफ टेन हमें ये प्राप्त, यही तो करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना हमें दूर करना है, किससे, इससे। तो इसको पहले लिख लीजिए, दूर करना मतलब माइनस करना, 3x² - 4y² + 5xy + 20, ये पहले लिखा गया। अब दूर करना, डिफरेंस करना या अवे मतलब डिस्टेंस बनाना, उसमें माइनस का साइन आएगा। अब फिर से आपका ब्रैकेट लगेगा, सोचिए अभी ये ब्रैकेट करके ही बेचारा बाहर आया, फिर से ब्रैकेट लग गया, क्या करें, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वही हमें करना पड़ेगा। सो 3x² - 4y² + 5xy + 20, फिर से अंदर का साइन चेंज, दोनों सेम प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, आप साइन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, x² देखिए दूसरा कहाँ, ये है, दोनों पास क्या साइन है, प्लस प्लस, तो 3 - 1 = 4, x² उसकी पहचान, y² यहाँ भी y², यहाँ पे कितना है 1, पहले y² लिख लीजिए, -4 + 1, तो माइनस ग्रेटेस्ट है तो अपना साइन लेके आएगा, 4 - 1 = 3। आगे देखते हैं x, ये xy है, यहाँ भी xy है, अब यहाँ +4 यहाँ -6, ±, ये ग्रेटर है तो अपना साइन लेके आएगा, 6 - 5 = 1, xy, 20 + 20 - 20 कैंसिल, और ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द सम, अब देखिए अभी हमने कहीं पे इसे सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन, ये 8 नंबर में फ्रॉम लगाया द सम, तो पहले हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट, फिर द सम, फिर इसे ऐड किए, वही सेम ही तो क्वेश्चन है। देखिए फ्रॉम, ये 8 और 10 सेम क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट हम द सम करेंगे, द सम, तो पहले फर्स्ट प्लस 3x एंड के प्लेस पे प्लस करेंगे, 5 - 4x + 2x². चलिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट देखिए पहले लाइन से ही लिखेंगे, सबसे बड़ी डिग्री को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, आपकी वैसे इच्छा, अगर नंबर लिखना चाहते हो नंबर लिख सकते हैं, +4 + 5, चलिए नंबर ही लिख देते हैं, 5 - 4 = 9, कितना हो गया 9, 3x, यहाँ x, ये इसी से ही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ±, ये ग्रेटेस्ट नंबर है तो माइनस साइन तो ज़रूर आएगा, 4 - 3 = 1x, और x² का कोई भी फ्रेंड नहीं मिला इसलिए वो किसी से ऐड नहीं होगा, ये आपका आंसर हुआ द सम। अब आते हैं एंड द सम, एक और हमारे पास है 10 नंबर में, ये 3x² - 5x एंड के प्लेस पे प्लस, और यहाँ एक छोटा सा माइनस भी है, तो सब में ब्रैकेट मत करिएगा क्योंकि उसी पास बस है माइनस, +2x + 5, चलिए एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट लग गया, -5x, अब ये प्लस और माइनस के बीच कौन सा है, इनटू, +/-, x² + 2x + 5, अब यहाँ देखिए 3x² है, यहाँ -x² है,
है ना, यहाँ प्लस थ्री या माइनस, यहाँ वन है तो थ्री प्लस थ्री माइनस वन टू एक्स स्क्वायर, तो उसकी पहचान हो गई माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स, एक्स इसकी आइडेंटिटी है, माइनस फाइव प्लस टू कितना होगा, माइनस ग्रेटेस्ट है तो अपना साइन ले के आएगा, फाइव माइनस टू थ्री और प्लस फाइव। अब आगे आते हैं क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है, सबसे पहले फ्रॉम लिखा है, तो ये जो पहले वाले ये फर्स्ट नंबर है ना सम, और ये सेकंड वाला सम है, तो फ्रॉम कहाँ पे लगा है, फर्स्ट वाले में, तो हमें यहाँ से फ्रॉम करना है, ये इसमें है फ्रॉम, ठीक है, तो ये पहले लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट में, नाउ सब्ट्रैक्ट, तो नाइन माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर पहले लिखा गया और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे ये सेकंड है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, तो ब्रैकेट तो ज़रूर बनेगा क्योंकि थ्री टर्म है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर जाएगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस और माइनस, माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस, अगर हम इसे लिखें भी तो प्लस टू माइनस टू क्या होता है, जीरो, कैंसिल। अब बचा है एक्स, एक्स पहले लिख लेते हैं नंबर बाद में, तो यहाँ पे देखिए प्लस थ्री एक्स है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस के पास आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, तो थ्री माइनस वन टू, टू एक्स। अब यहाँ नाइन, नाइन माइनस फाइव प्लस फोर, सॉरी, क्योंकि नाइन आपका प्लस है, सो टू एक्स प्लस फोर इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन रीड करिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आप नहीं रीड किए तो आप आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई, पहले आप इसे सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद दीज एक्सप्रेशन जो आंसर आएंगे एंड फाइंड देयर वैल्यूज, पुट करके उन वैल्यूओं को उस एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ये वैल्यू को पुट करके। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मतलब जो अभी तक हम सॉल्व किए जैसे। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, फर्स्ट है 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9। हमने आपसे बताया कि वेरिएबल जब तक सेम ना हो नहीं ऐड होंगे, ये देखिए दो सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, अब प्लस माइनस 1, सॉरी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 और x उसकी पहचान हुई। अब यहाँ प्लस माइनस, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो नाइन माइनस फाइव फोर, यानी टू एक्स प्लस फोर आपका पहला आंसर हुआ, हमने जो सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ दिए हुए हैं, एक्स देखिए हमारे पास जो वेरिएबल होगा हम उसी की यूज़ करेंगे, तो पुटिंग एक्स इक्वल टू, हम क्या पुट कर रहे हैं, थ्री, तो चलिए इसमें पुट करिए, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे। और हमने मैथ में पार्ट सेकंड में बताया कि मैथ में दो साइन कभी नहीं दिखते, अब वो दो साइन कौन से हैं ये भी हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए टू एक्स लिखा है, तो इसके आगे कौन साइन होता है, प्लस, जो हमें जहाँ नहीं रहता वहाँ पे हमें याद रिमाइंड रखना पड़ता है। दूसरा, टू और एक्स के बीच कौन साइन है, मल्टीप्लाई, मैथ में दो चीज़ों के बीच हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे आप यहाँ सोचेंगे ना कि x की वैल्यू हमको पुट करना, लेकिन कैसे करें, ऐसे थोड़ी लिख देंगे 2 और यहाँ 3, इन दोनों के बीच क्या साइन है, इंटू, तो 2 इंटू 3 प्लस 4। अब बॉड मास कभी मत भूलिएगा, बॉड मास हर जगह लगता है, ये मत सोचिएगा कि फिफ्थ तक पढ़े और ख़त्म, 2 3 जा 6, पहले मल्टीप्लाई और 6 प्लस 4 10, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर देखते, 2 माइनस एट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर, पहले वेरिएबल ये है आपका, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, माइनस, तो माइनस साइन तो आएगा, 8 माइनस फोर फोर एक्स, और 2 के पास भी प्लस है यहाँ, 4 टू 6, ये आपका है सिंप्लीफाई आंसर। अब आते हैं पुटिंग, एक्स इक्वल टू 3 ही है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है,
तो यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस फोर इंटू थ्री प्लस सिक्स, फोर थ्री जो 12 पहले आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस सिक्स। अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये देख लिया करिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस 12 तो माइनस सिक्स आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड सबसे आसान में से है, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। अब यहाँ प्लस है, दोनों में ये ग्रेटर है, तो माइनस 5a, क्यों 8 माइनस 3 5। अब 5 1 6, ये आपका सिंप्लीफाई आंसर हुआ। अब पुट करते हैं a इक्वल टू a की वैल्यू, क्योंकि a है इस बार, x थोड़ी रखेंगे, यहाँ पे x है ही नहीं, ए का क्या है माइनस वन, चलिए रख देते हैं, यहाँ पे इंटू का साइन है, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस सिक्स। अब ये साइन मल्टीप्लाई वाला है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, इंटू में, और जब वह जब प्लस ऐड करते हैं तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, सिक्स फाइव इलेवन, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b। अब देखिए b और ये b दोनों पास माइनस है, अब भी हमने बात किया ना माइनस माइनस, इनटू में प्लस होता है साइन, और जब ऐसे आपको दिखे तो वहाँ इनटू प्लस नहीं होगा। इसमें आप क्या बोलेंगे, b तो इसकी आइडेंटिटी है, जो इसकी पहचान है। अब माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा, तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, 5 3 8, साइन वही रहेगा। अब यहाँ 10 प्लस में है, 10 माइनस 4 प्लस 6, ये आपका सिंप्लीफाई आंसर हुआ। अब आते हैं वैल्यू पुट करना, पुटिंग बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है माइनस 2, चलिए पुट करते हैं बी के प्लेस पे, माइनस 8 इंटू माइनस 2 यहीं पे है ना, और प्लस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 16 प्लस इधर 6, 16 6 22, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, सो योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक भी किया करिए और शेयर भी किया करिए, जिससे वीडियोस प्रमोट हो और आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जे प्रिपरेटरी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।